मेरे पीछे आप देख रहे हैं कराची का समंदर, जिसे टीवी और फिल्मों में आपने मुतअद्दिद बार देखा होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जो इसी साहिले समंदर के कोने में वाकई हुआ करती थी। आज हम आपको सैर कराएंगे पैराडाइज पॉइंट की, जो अब सिर्फ नाम को ही रह गया है। हमारे साथ मौजूद होंगे सरफराज फरीद निहाश, जो जंग अखबार में सालों फिल्मों पर कॉलम्स लिखते रहे। पैराडाइज के हवाले से तो इनका नहीं पता, लेकिन ये बात पॉइंट ही करते हैं। पैराडाइज पॉइंट याद है? क्यों नहीं, गए हो? हाँ गए, कई दफा गए। यार मैं कभी नहीं गया, लेकिन इसे मैंने फिल्मों में और टीवी पर बहुत देखा। बिल्कुल देखा होगा आपने, क्योंकि जब कराची में फिल्में बना करते थे तो मेरा ख्याल है कि कराची के जो साहली इलाके हैं या साहिल समंदर है या जो दीगर लोकेशंस है, उनमें पैराडाइज पॉइंट बहुत अहम होता था। वहाँ गानों की पिक्चर रेगुलेशन था, फाइट सीन्स, फाइट सीन्स फाइट सीन भी होते हैं। लेकिन ये बताओ, पहली मरतबा कब यूज हुआ था? पहली मरतबा तो जब कराची में फिल्में 56 से मतलब बनना शुरू हुई, तो उसके बाद जो शुरू की फिल्में हैं उसमें ये उमर मारवी फिल्म, वहाँ भी इसकी शूटिंगें हुई उस इलाके में भी। सही ये कि पैराडाइज पॉइंट नहीं दिखाया, लेकिन शूटिंग हुई। पैराडाइज पॉइंट की फिल्म बता रहा पहली, तो वहाँ पर आगे आ रहा है एरिया, तो वहाँ ही है ना वो, अभी एरिया की बात है। जब ये जो पैराडाइज पॉइंट जो दिखाया गया है ना, 58 की एक फिल्म थी भरोसा, शाहिद साहब जाफर शाह बुखारी इसके डायरेक्टर थे, और इसमें अलाउद्दीन और रक्षी पर लाहौर से यूनिट आया था, एक पूरा गाना फिल्म बन गया। अलाउद्दीन और रक्षी पर, अच्छा मुझे जो याद है वो 65 की ईद मुबारक जी, बिल्कुल हमको दुआएं दो तुम्हें कातिल बना दो, उसके बाद वहीद मुराद साहब ने तो यहाँ पूरी फिल्म भी बना दी। बिल्कुल सही, पूरी फिल्म समंदर, पूरी फिल्म वहाँ बनी। तो वहीद मुराद साहब उसमें लटकते हुए भी थे, और खुद उन्होंने स्टंट किया था वो वाला। बिल्कुल बिल्कुल, जाल के अंदर, जाल में जब वो गाना था बन जाती मेरी किस्मत, जी यही पिक्चराइज हुआ है। बन जाती मेरी किस्मत हो जाते नादे नादे, तुझे देख के दिल कहता है तू लड़की होता प्यारे। शीशे का घर में जब उन्हें शायद को फेंकते उठा के, वो भी यही था जी, ही। और लाडला फिल्म जैसे थी, वहीद मुराद प्रोडक्शन तो नहीं थी, लेकिन वहीद मुराद थे तो उसके अंदर। प्यार मिल जाए तो टंग 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 टंग, प्यार मिल जाए तो हर बात हंसी लगती है। कमाल साहब की फिल्मों में कई काफी यूज हुआ है। नई लैला नया मजनू में जो गाना था उसके अंदर शॉट आ रहा है इसका। मेरे हम सफर तुम बड़े संग दिल हो, देखे तुम जैसे दिल। और नदीम साहब की फिल्म समाज, समाज जो भरोसा के रीमेक, अच्छा अच्छा हाँ, मैंने जिक्र किया ना आपसे भरोसा का, तो उसी में मीना चौधरी और नदीम पर उसी सिचुएशन पर जो रक्षी और अलाउद्दीन पर जो गाना फिल्माया गया था, समाज में फिल्माया गया। सोचा है जो साथ तेरे ला 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 ला।
बस तुझको याद रखूं और सबको भूल जाऊं। फर्ज बिल्कुल कह दो वो जिसे तू एक बार मोहब्बत हो गई, तेरी सूरत मेरी आंखें, तेरी सूरत मेरी आंखें। सुलेमान साहब भी खास तौर पर मतलब लाहौर से इंग्लैंड लेकर आते थे, मंजिल की तो काफी शूटिंग हुई उन इलाकों में, और इसी तरह तेरी सूरत मेरी आंखें आपके सामने है। ढूंढ रही थी जाने कब से नजरुल इस्लाम साहब का फेवरेट था ये जगह, बिल्कुल उनके गाने जो समंदर उसमें जरूर मिलता है क्योंकि वो पैदा ही बंगाल में हुए थे, तो पानियों से इनको बड़ी मोहब्बत का पूरा गाना, बिल्कुल तेरे भीगे बदन समंदर के साथ वो है, और वो इस जगह को काफी लोगों ने यूटिलाइज किया। एक मजे की बात बताऊं, ये गाना जो फरमाया गया था ना, इसके फोटोग्राफर मेरे मामू लियाकत अली सिसोदिया थे। अच्छा, वो अफजल चौधरी के असिस्टेंट है, और अफजल चौधरी साहब उस वक्त किसी मतलब से शो पे नहीं आया, गाना फरमाना था मौसम के हिसाब से, तो फिर वो लियाकत अली सिसोदिया साहब घूमे वो मामू में, उन्होंने अच्छा 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 गुड, ये जबरदस्त चीज बताई। खैर पाकिस्तानी फिल्मों में यूज हुआ है, लेकिन जब 80s में इसको बहुत कम कर दिया गया इस्तेमाल इसका, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर गिर रहा था, तो हम ये कहेंगे हमारी जब आने वाली नस्लों की मसरूफियात बढ़ गई तो इस तरफ तवज्जो कम हो गई और पुराने वक्तों की तरह ये भी घुल गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ, अब खत्म हो गया और अब सिर्फ यादें ही है भाई, या फिल्मी मनाजिर बस जिसमें हम इसे देख सकते हैं। बस अब यही है कि अब याद कर सकते हैं, सोच सकते हैं और जा नहीं सकते, बस जा नहीं सकते अलग बात है, लेकिन एंजॉय तो कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे फिल्मी गीत, हमारे फिल्मी मनाजिर, तेरे भीगे बदन की।